15 मिनट में आप दिन भर की सब बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता न्यूज़ ऑन डॉट बिना ब्रेक के। भारत ने पाकिस्तान को सौंपे उरी आतंकी हमले के सबूत। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को बुलाकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान की भूमिका की जानकारी दी। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने का होगा विचार। 29 सितंबर को विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से बैठक करेंगे पीएम। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की गीदड़ भपकी। सरताज अजीज ने कहा, अगर भारत ने समझौता तोड़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पाकिस्तान। उरी हमले पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का भड़काऊ बयान, कहा भारत ने खुद करवाया हमला। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ का एक और सबूत, थर्मल इमेज में दिखाई दिया आतंकी। बीएसएफ ने मांगी मदद तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने आतंकियों को भगाया। बॉर्डर सुरक्षा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, बीएसएफ के आतंकी घुसपैठ रोकने का निर्देश। यूएन में सुषमा स्वराज के भाषण का बलूचिस्तान के बागियों ने किया स्वागत। बरहमदाग बुक्ती ने कहा, विदेश मंत्री का भाषण बलोचों के लिए उम्मीद की किरण। बरहमदाग बुक्ती को पनाह पर गृह मंत्रालय ने मांगी खुफिया एजेंसियों की राय। रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट लेगी फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का ऐलान, कांग्रेस ने की थी मांग। अर्धसैनिक बलों के जवानों पर सरकार का बड़ा फैसला, सेना की तर्ज पर मिलेगी सरकारी मदद, गृह मंत्रालय जल्द लागू करेगा। पाकिस्तान की संसद ने पास किया हिंदू मैरिज बिल एक्ट, अब शादी रजिस्टर करा सकेंगे हिंदू। दिल्ली के कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजीपी के बंसल के बेटे समेत की खुदकुशी, रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार। पीके बंसल की पत्नी और बेटी ने भी की थी खुदकुशी, रिश्वतखोरी के आरोप में बंसल की गिरफ्तारी से थी दुखी। पीके बंसल उनके बेटे ने लिखा सुसाइड नोट, सीबीआई के कई अधिकारी और पर टॉर्चर का आरोप। पीके बंसल की खुदकुशी पर सीबीआई ने अफसोस जताया, कहा लोकल पुलिस कर रही है छानबीन। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को इनकम टैक्स का नोटिस, 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा, कोलकाता के हवाला कारोबारी से लेन देन का आरोप। सत्येंद्र जैन ने खुद को बेकसूर बताया, कहा इनकम टैक्स ने केवल गवाह के तौर पर बुलाया, केजरीवाल ने भी दी क्लीन चिट। इनकम टैक्स नोटिस को लेकर बीजेपी ने साधा सत्येंद्र जैन पर निशाना, बीजेपी सांसद उदित राज ने कहा आम आदमी पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। कावेरी पर कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 दिनों तक रोज 6000 क्यूसिक पानी तमिलनाडु को देने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक में विरोध, मांड्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। डायरेक्टर करण जौहर के घर के बाहर एमएनएस का प्रदर्शन, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, करण ने किया था पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन। पाकिस्तान लौटे फवाद खान, एमएनएस की धमकी के बाद चुपचाप मुंबई से रवाना हुए। मुंबई में शिवसेना भवन और सामना के दफ्तर पर पुलिस का पहरा, मराठा मोर्चा को लेकर सामना में विवादित कार्टून छपने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत अमेरिका का साझा युद्ध अभ्यास खत्म, दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे की तारीफ की। केरल के कोट्टायम में 10 कुत्तों पर केरल कांग्रेस के नेताओं का जुल्म, पीट पीट कर मारा, बांस पर लटकाकर परेड निकाली, मेनका गांधी का विरोध। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से एल गणेशन को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, नजमा हेतुल्ला के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट। जालंधर में संघ नेता जगदीश गगनेजा को श्रद्धांजलि, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद, हमलावरों की गोली का बने थे शिकार। 29 सितंबर को असम की अदालत में पेश होंगे राहुल गांधी, आरएसएस के खिलाफ बयान देने का मामला। दुनिया की 92% आबादी गंदी हवा में ले रही है सांस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने, वायु प्रदूषण से 2012 में 60 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाले गए युवा नेताओं को वापस लेने की मांग की, कहा नौजवानों ने हमारे पक्ष में नारे लगाए, किसी के विरोध में नहीं लगाया। बुलंदशहर रेप केस में आजम खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पीड़ित के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का आरोप। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच 6 महीने के अंदर पूरी हो, सुप्रीम कोर्ट ने विजिलेंस विभाग को आदेश दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी मां संकटा देवी मंदिर गए, दर्शन के बाद किया रोड शो। बरेली में राहुल गांधी के दौरे से पहले मॉल में बम की झूठी खबर, बम निरोधक दस्ते ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, बम की जानकारी देने वाले को हिरासत में लिया गया। यूपी के 7 शहीदों के परिवार वालों को सीएम अखिलेश यादव ने दिया 20-20 लाख रुपए का मुआवजा, मदद पाने वालों में 6 पुलिसकर्मियों के परिवार शामिल।
चुनाव आयोग की टीम ने यूपी में लिया तैयारियों का जायजा, डीजीपी मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों से मिले। यूपी के बरेली में घर के भीतर महिला से गैंगरेप का आरोप, पति के विरोध करने पर गोली मारी, पुलिस ने घरेलू झगड़ा कहा। यूपी के बुलंदशहर में महिला पर तेजाब से हमला, पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था गैंगरेप का केस। बुलंदशहर में महिला पर तेजाब फेंकने के आरोप में डीजीपी जावेद अहमद का इनकार, कहा शुरुआती जांच के मुताबिक घरेलू झगड़े में कोई केमिकल फेंका गया। यूपी के बाराबंकी में नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में इलाज न मिलने पर गर्भवती महिला की मौत, 2 घंटे तक रिक्शे में तड़पती रही महिला। यूपी के बागपत में दिल्ली फायर ब्रिगेड के सिपाही का मर्डर, गाँव के लोगों पर आरोप, चुनावी रंजिश में हत्या का शक। यूपी के अमेठी में मंदिर में सो रहे 2 पुजारियों की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने ईंट से मार मार कर ली जान, पुलिस को नशेड़ियों पर शक। यूपी के फरुखाबाद में 8 साल की बच्ची को गोली लगी, हालत गंभीर, घर वालों पर अवैध हथियार रखने का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में बेटी के लिए पिता ने मांगी इच्छा मृत्यु की इजाजत, मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, इलाज कराने में लाचार है परिवार। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर ट्रॉला फंसने से आवाजाही पर असर, हजारों लोगों को दिन भर दिक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेंदुए का आतंक, पिछले 1 हफ्ते से दहशत में हैं गांव वाले, वन विभाग से मदद की गुहार। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 दिनों के लिए बढ़ाई गई, अब 15 अक्टूबर तक आ सकेंगे श्रद्धालु, गुरुद्वारा कमेटी ने अच्छे मौसम की वजह से फैसला लिया। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, त्रिपुरा के सीएम माणिक सरकार का विरोध, उरी हमले पर देश विरोधी बयान का आरोप। पटना में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बिहार के खिलाफ विवादित बयान देने का विरोध। कर्नाटक के पूर्व सीएम एच डी कुमार स्वामी को झटका, जमीन आवंटन के मामले में चलेगा केस, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया। शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, डेंगू एमसीडी और केंद्र सरकार को लेकर होगी चर्चा। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा के खिलाफ रेप का केस, महिला वकील ने दिल्ली के तिलक नगर थाने में दर्ज कराया मामला। रेप के आरोपों से शादीलाल बत्रा का इनकार, कहा टिकट मांगने के लिए आई थी महिला। उदयपुर के कॉलेज में एबीवीपी का हंगामा, उरी के शहीदों पर आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट का विरोध, कश्मीरी छात्र पर आरोप। कोटा के कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, सर्वर में दिक्कत से सप्लीमेंट्री फॉर्म नहीं भरे जाने पर भड़के स्टूडेंट, तारीख बढ़ाने की मांग। पटना यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता यूजीसी ने रद्द की, हजारों छात्रों का भविष्य अधर में, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप। जिले के नांगलोई में शिक्षकों का प्रदर्शन, सरकारी स्कूल के टीचर की हत्या पर गुस्सा भड़का। टीचर की हत्या पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच का दिया आदेश, 1 करोड़ के मुआवजे का किया ऐलान। सोमवार शाम नांगलोई के सर्वोदय स्कूल में हुई थी टीचर मुकेश कुमार की हत्या, छात्रों ने चाकू मारकर जान ली। एमपी के बालाघाट में पुलिस ने आरएसएस के प्रचारक को बेरहमी से पीटा, व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, एसपी ने टीआई समेत 2 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे समेत 3 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, निवेशकों से धोखाधड़ी के केस में रायसेन की अदालत का आदेश। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हंगामा, दूसरे राज्यों से काउंसलिंग के लिए पहुंचे स्टूडेंट्स नाराज, फीस लेकर एडमिशन नहीं देने का आरोप। बिहार के मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के वीसी समेत 3 के खिलाफ हत्या का केस, आंदोलन के दौरान यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारियों की मौत। शिमला में सचिवालय के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। कश्मीर के पुलवामा में घी कंपनी के गोदाम में आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के खूंटी में गांव वालों पर नक्सलियों की अंधाधुंध फायरिंग, 3 की मौत, राज्य सरकार ने 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। केरल में मना माता अमृतानंदमयी का 63वां जन्मदिन, पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन पर मिला 6 फीट लंबा सांप, पुलिस टीम ने पकड़ा, वन विभाग को सौंपा जाएगा। मुंबई के घाटकोपर में डंपर से टकराई बाइक, हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों में से 1 की मौत। राजस्थान के कोटा में छात्रा ने की खुदकुशी, बिहार की रहने वाली स्नेहा पिछले 3 साल से कर रही थी मेडिकल की तैयारी, सिलेक्शन नहीं होने से तनाव में थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दुकानदारों ने एक्साइज विभाग के सिपाही को पीटा, केले के पैसे नहीं देने का आरोप।
इंदौर में युवक ने एक लड़की और उसकी मां पर चाकुओं से किया हमला। वारदात के बाद लगाई छत से छलांग, तीनों अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में एसपी के सामने महिला ने मारपीट की, पति और बेटे पर आरोप लगाए, शिकायत करने गई थी जनसुनवाई में। पंजाब के पटियाला में बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या, खेत में मिली लाश, महिला के सिर और पैर पर मिले चोट के निशान, घर वालों ने रेप की आशंका जताई। गाजियाबाद में जियो से पानी के लिए खून देने की होड़, एनजीओ एक यूनिट खून के बदले मुफ्त में सिम दे रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक इमरती देवी का कुत्ता गायब, पुलिस से लगाई मदद की गुहार, राजनीतिक विरोधियों पर जताया शक। दिल्ली में पेड़ बचाने के लिए अनूठी पहल, 18 पुराने पेड़ों को मिलेगा हेरिटेज ट्री का दर्जा, साइन बोर्ड लगाकर इतिहास से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। गुजरात में गरबा को लेकर लड़कियों में टैटू का क्रेज दिखा, अलग अलग डिजाइन के टैटू बनवा रही हैं लड़कियां। राजकोट में गरबा डांस से पहले बढ़ी चनिया चोली की बिक्री। मुंबई में मेट्रो की दो और लाइनों को ग्रीन सिग्नल, डीएन नगर से मानखुर्द और बडाला से कासार वटवली तक होगा विस्तार। 3 सितंबर को आधी रात तक खुलेंगे इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर, सेल्फ डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख होने की वजह से। रिलायंस जियो और रिलायंस कम्युनिकेशन में समझौता, कस्टमर सपोर्ट, स्पेक्ट्रम, टावर और नेटवर्क शेयर करेंगे दोनों कंपनियां, अनिल अंबानी को लागत घटने और कमाई बढ़ने का भरोसा। शेयर बाजार में आज भी गिरावट, सेंसेक्स 71, निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद, बैंक, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट। पहली बहस में डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी हिलरी क्लिंटन, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने का हिलरी ने किया वादा। हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप की बहस से पहले कठपुतलियों में मन बहलाया, दोनों की कठपुतलियों के बीच हुई डिबेट। न्यूयॉर्क की एक इमारत में धमाके से अफरा तफरी, कई लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से बची ड्राइवर की जान, सीढ़ियों के सहारे रेस्क्यू किया गया। बमबारी से बर्बाद हुआ सीरिया का अलेपो, इमारतें तबाह, सड़कों पर सन्नाटा, करीब 2.5 लाख लोग संकट में। जॉर्जिया में नेताओं के बीच मारपीट, लाइव टीवी शो के दौरान एक दूसरे से भिड़ंत हुई। कोलंबिया में गृह युद्ध खत्म होने के आसार, सरकार और कम्युनिस्ट बागियों ने किया समझौते पर दस्तखत। ताइवान का मेगा तूफान का कहर, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से भारी नुकसान। हैदराबाद में अपने कॉलेज पहुंची पीवी सिंधु, ओलंपिक में मेडल जीतने पर सेंट एनी कॉलेज में सम्मानित किया गया। साक्षी मलिक के कोच कुलदीप को अभी तक नहीं मिला इनाम, हरियाणा सरकार ने दी थी 10 लाख रुपए के चेक की फोटोकॉपी। हरियाणा सरकार को साक्षी मलिक के जवाब का इंतजार, खेल मंत्री अनिल विज ने कहा साक्षी लिखित में कुलदीप को बताएंगे कोच तो इनाम मिलेगा। सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है पर कटरीना कैफ का खुलासा, फिल्म में सलमान को 70 साल का नहीं दिखाया जाएगा, पहली फिल्म जहां से खत्म हुई टाइगर जिंदा है की कहानी वहीं से शुरू होगी।